एटीएस ने आतंकी अबू जैद जाहिद को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मुंबई से हुई। अबू जाहिद आईएसएस का संदिग्ध बताया जा रहा है। अबू जाहिद यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। अबू जाहिद सोशल मीडिया के जरिए आईएसएस में आतंकियों की भर्ती का काम करता था। यूपी एटीएस ने बताया कि अबू जाहिद की गिरफ्तारी मुंबई एयरपोर्ट से हुई और हम इसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाए हैं। पुलिस ने बताया कि अबू जाहिद अपने संगठन के लिए विचारक के रूप में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि अबू जाहिद दुबई में बैठकर आईएसएस का भारत में नेटवर्क चला रहा था। बताया भी गया कि अबू जाहिद बिजनौर और वेस्टर्न यूपी से पकड़े गए आईएसएस के अन्य संदिग्धों के सीधे संपर्क में था। एक तथाकथित आतंकी अबू जैद पुत्र अलाउद्दीन, यह निवासी है मोहल्ला छाऊ थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ का, जिसके विरुद्ध एक लुकआउट नोटिस था और मुंबई एयरपोर्ट पर एटीएस के डीएसपी अनूप सिंह और वहां के अथॉरिटीज द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। अप्रैल के महीने में एक आतंकी ग्रुप पकड़ा गया था जिसका मेन आइडियोलॉग ये था, इनका मोडस ऑपरेंडे ये था कि एक अपना एक सोशल नेटवर्किंग एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप की तरह से एक ग्रुप बना करके, और खुद तो रेडिकलाइज थे ही थे, साथ में और लोगों को आईसिस और बाकी जो अन्य इस्लामिक संगठन हैं उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित करने का इनका ये मंशा रहती थी।